कैरियर्स मूवी शुरू होती है और हम एक कार को देखते हैं जो कि एक हाईवे पर जा रही होती है। उसके अंदर चार लोग होते हैं जिनका नाम ब्रैन और डैनी होता है और उनके साथ उनकी दो फ्रेंड बॉबी और कैट भी होती हैं। यहाँ वो लोग शहर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि बॉबी और ब्रैन रिलेशनशिप में है और साथ ही हमें पता चलता है कि दुनिया में एक वायरस फैल गया है जिससे जो भी इन्फेक्टेड होता है वो मर जाता है, इसलिए ये लोग शहर की तरफ जा रहे होते हैं। फिर जब ये कुछ दूर आगे जाते हैं तो इन्हें वहाँ पर एक गाड़ी दिखाई देती है और वहाँ एक आदमी दिखता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। ये देखकर ब्रैन सभी को अपनी विंडो ऊपर करने के लिए बोलता है ताकि वो सब किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बच सकें। तभी फ्रैंक उसके पास आकर बोलता है कि उसके कार की पेट्रोल खत्म हो गई है, इसीलिए वो उनसे थोड़ा पेट्रोल मांगता है, लेकिन ये सुनकर ब्रैन उसे साफ मना कर देता है। तभी केट की नजर उसके कार में जाती है जहाँ उसे एक छोटी बच्ची दिखती है जो कि उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है क्योंकि उसके मास्क पर खून लगा हुआ था। फिर जब ब्रैन को ये पता चलता है कि उसकी बेटी इन्फेक्टेड है तब वो गाड़ी नीचे उतार कर किसी तरह वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर फ्रैंक उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी वो एक टूल से उसके विंडो पर मारता है जिससे उसका कांच फूट जाता है, लेकिन कार ले जाते समय उसके कार का फ्यूल नीचे गिरने लगता है क्योंकि उसकी टंकी एक पत्थर से टकरा गई थी। अब इसकी वजह से कुछ दूर जाने के बाद उसकी कार वहीं रुक जाती है। अब इन्हें मदद की जरूरत थी इसलिए ये अपना सामान लेकर वापस फ्रैंक के पास आते हैं और आते समय सभी वायरस से बचने के लिए अपना मास्क लगा लेते हैं ताकि ये सभी वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। पर तभी हम देखते हैं कि फ्रैंक उन्हें दूर रहने को बोलता है। फिर ये सभी फ्रैंक से उसकी कार मांगते हैं लेकिन फ्रैंक उन्हें मना कर देता है। ये सुनकर ब्रैन अपनी गन निकालता है। तभी फ्रैंक उनसे कहता है कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक सीरम लेना है ताकि वो उस वायरस से बच सके। तभी डैनी को एक आइडिया आता है। इसके बाद वो फ्रैंक और उसकी बेटी को पीछे बैठा देता है और एक पॉलीथीन की मदद से उसे ढक देता है। फिर ये लोग कार को सैनिटाइज कर देते हैं जिसके बाद ये सभी वहाँ से चल देते हैं। तभी आगे जाने के बाद डैनी अपनी कार में से एक बचपन की फोटो लेता है और ये सब फिर से वहाँ से चल पड़ते हैं। ये लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी ब्रैन और बॉबी आपस में फाइट करने लगते हैं जिससे ब्रैन कार को वहीं स्टॉप कर देता है। तभी उन्हें वहाँ सड़क के किनारे एक कार दिखाई देती है। ये देखकर डैनी उस कार में से पेट्रोल लेने के लिए वहाँ जाता है। फिर जैसे ही वो कार की चाबी निकालने के लिए गेट खोलता है तो तभी उसे एक आदमी दिखता है जो कि पूरी तरह उस वायरस से इन्फेक्टेड था। उसका चेहरा देख डैनी बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि वो अब मरने ही वाला था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब रात काफी हो जाती है जिससे ये सभी एक जगह रेस्ट करने लगते हैं। इधर डैनी फ्रैंक से अपने दोस्त ब्रैन के बारे में बता रहा होता है। वो उसे बताता है कि जब वो लोग छोटे थे तो कैसे समुद्र के किनारे खेल रहे थे। उधर ब्रैन अपनी गर्लफ्रेंड बॉबी के साथ रोमांस कर रहा होता है तभी उन्हें किसी के कार की आवाज सुनाई देती है जिसका कि कोई पीछा कर रहा होता है। ये देखकर ये लोग आग को कपड़े से ढककर बुझा देते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना पाए। तभी हम कार में से एक आदमी को भागते हुए देखते हैं और तभी वो पीछा करने वाला उसे मार डालता है। इसके बाद अगले दिन सुबह ये सभी फिर से वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक लाश दिखती है जो कि टावर से बंधी होती है। इसके बाद ये सब अब सिटी में पहुँच जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि इस वायरस के डर से वहाँ कोई नहीं दिख रहा। इसके बाद वो उस हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं और तभी बॉबी ब्रैन से कहती है कि मैं यहीं कार में ही रहूंगी, तुम लोग हॉस्पिटल के अंदर जाओ। इसके बाद ये लोग हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर बहुत से लोग वायरस के कारण मरे हुए होते हैं। तभी केट किसी को भागते हुए देखती है। ये देखकर वो उसका पीछा करते हैं जहाँ जाने पर उन्हें एक डॉक्टर दिखाई देता है। फिर फ्रैंक उसके पास जाता है और उससे सीरम के बारे में बात करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर दो छोटी बच्चियों का सर्जरी करने वाला था पर तभी फ्रैंक उसे गन दिखाकर ये सब करने से रोक देता है। फिर वो गन नीचे रखकर यहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि बॉबी उसी बच्ची से कार में बात कर रही होती है कि तभी उस बच्ची को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है जिसे देखकर बॉबी उसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने जा रही होती है कि तभी वो बच्ची उसे भी छू देती है जिससे उसके कपड़े पर खून लग जाता है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और तभी वो सभी भी यहाँ आ जाती है जिन्हें देखकर बॉबी अपने कपड़े को निकाल देती है ताकि ब्रैन उस खून को न देख पाए। तभी हम देखते हैं कि फ्रैंक अपनी बच्ची को धीरे से चलने को बोलता है लेकिन वो कुछ आगे जाकर वहीं गिर जाती है। फिर फ्रैंक उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से लेकर चला जाता है। इधर वो चारों भी वहां से चल पड़ते हैं। तभी वो अपनी कार को एक सड़क पर रोकते हैं और उसे सैनिटाइज करने लगते हैं ताकि उन्हें कोई वायरस इन्फेक्शन ना हो। तभी हम बॉबी को देखते हैं जो अपने उस खून लगे हुए कपड़े को कार से नीचे फेंक देती है। इधर डैनी और कैट पीछे कार को सैनिटाइज कर रहे
होते हैं। तभी डैनी को वहाँ एक छोटी डॉल मिलती है जिसे वो फेंक देता है ताकि कार पूरी तरह वायरस से सेफ रहे। इसके बाद ये सभी वहाँ से निकल जाते हैं। अब जाते हुए वो अपनी कार एक घर के पास रोकते हैं। फिर वो उस घर के अंदर जाते हैं और उस घर के ओनर को बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। इधर बॉबी की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती क्योंकि उसे भी अब वायरस का इन्फेक्शन हो गया था। ये देखकर ब्रैन उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर ब्रैन नीचे स्विमिंग पूल के पास जाता है, तभी उसे उस पूल में कुछ दिखाई देता है। ये देखकर वो एक डंडे से उसमें चेक करने लगता है। तभी उसे उसमें एक लाश दिखती है जो कि उस वायरस से इन्फेक्टेड होकर मर गया था, जिसे देख वो डर जाता है और उसमें गिरने ही वाला होता है कि तभी डैनी आकर उसे बचा लेता है। फिर हम अगले सीन में बॉबी को एक मिनी कार चलाते हुए देखते हैं जिससे वो मस्ती कर रही होती है, पर तभी वो मिनी कार पलट जाती है लेकिन उसे कोई चोट नहीं आती। फिर उसके बाद वो लोग एक हॉकी से खेलने लगते हैं जिससे कि वो उस घर की सारी कांचे तोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए कॉल लगाना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर रखे सभी फोन खराब थे। इधर डैनी और कैट बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें कोई दिखाई देता है जिसे देख कर वो वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद वो सब एक कमरे में पहुँचते हैं जहाँ जाकर वो छिप जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सब पकड़े जाते हैं। इधर ब्रैन नीचे रखी हुई बोतल से ड्रिंक करने लगता है, फिर वो घर की तरफ जाता है। तभी उसे भी वो आदमी दिखता है जिसे देखकर वो छिप जाता है। फिर जैसे ही वो आदमी उसके पास आता है तो तभी ब्रैन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो लोग डैनी, केट और ब्रैन को बंदी बनाकर वहाँ से ले आते हैं। फिर वो आदमी ब्रैन को मारने लगता है। तभी वो लोग उनसे उस स्विमिंग पूल में मरे हुए इंसान के बारे में पूछते हैं। इस पर डैनी कहता है कि वो भी इसी वायरस के कारण मरा है। फिर वो लोग डैनी और ब्रैन को उस जगह से जाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि ये दोनों लड़कियां यहीं पर रुकेंगी, जिसके बाद ये उन लड़कियों को अपने कपड़े उतारने के लिए बोलते हैं। अब ये देखकर ब्रैन और डैनी भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो सब बंदूक की नोक पर थे, लेकिन जैसे ही बॉबी और कैट अपने कपड़े उतारती हैं तो उन्हें देखकर उन्हें पता चल जाता है कि ये सब भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हैं, क्योंकि उनकी बॉडी भी लाल रंग की हो गई थी, जिससे अब वो मास्क पहने हुए लोग डर जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। इसके बाद ये चारों वहाँ से चल पड़ते हैं। अब रास्ते में ब्रैन और डैनी बॉबी और कैट पर गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्होंने उनसे भी उस इन्फेक्शन के बारे में नहीं बताया था। फिर थोड़ी ही दूर जाने के बाद डैनी कार को रोक देता है और तभी ब्रैन गुस्सा होकर बॉबी को कार से उतरने के लिए बोलता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती। अब ये देखकर वो उसे खींचकर बाहर निकाल देता है। फिर वो उसका सामान भी बाहर निकालता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस छोटी लड़की के पास मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और हम सबकी जान खतरे में डाल दी। इसके बाद ब्रैन बॉबी का सामान और उसके खाने के लिए कुछ छोड़ देता है और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद डैनी नोटिस करता है कि कार में फ्यूल खत्म होने वाला है। तभी वो सामने से देखता है कि एक कार आ रही है। फिर वो अपनी गाड़ी को सड़क के बीचों बीच खड़ी कर देता है ताकि वो कार वाला यहाँ रुके। फिर हम सामने से आ रही कार को रुकते हुए देखते हैं जिसमें दो बूढ़ी औरतें बैठी होती हैं। फिर डैनी कार से उतरकर उन बूढ़ी औरतों से बात करता है। वो उनसे कहता है कि हमारी कार का फ्यूल खत्म हो गया है और आप हमें थोड़ा फ्यूल देकर हमारी मदद करें, लेकिन वो दोनों औरतें उन्हें देखकर डर जाती हैं और अपनी कार रिवर्स करने लगती हैं। ये देखकर ब्रैन काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी कार से उतरकर उन दोनों पर गन चलाने लगता है, जिससे एक औरत वहीं पर मर जाती है। फिर वो दूसरी औरत को गन दिखाकर बाहर उतरने को बोलता है, लेकिन उस बूढ़ी औरत के पास भी एक गन थी। फिर वो कार से उतरती है और तभी ब्रैन के पैर पर शूट कर देती है, जिस वजह से ब्रैन अब और गुस्से में आ जाता है और उस बूढ़ी औरत को भी मार देता है। इस दौरान डैनी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ब्रैन नहीं रुकता क्योंकि ब्रैन काफी गुस्से में था। इससे अब दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन ये झगड़ा ज्यादा देर तक नहीं चलता। फिर वो दोनों शांत हो जाते हैं क्योंकि अब झगड़ा करके उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि जो होना था अब हो चुका था। जैसा कि हम देखते हैं कि ब्रैन के पैर में गोली लगी हुई थी जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। फिर डैनी उसे कार में बैठा कर थोड़ी दूर आगे जाता है, तभी उन्हें वहाँ एक घर दिखाई देता है। ये देखकर वो वहाँ ब्रैन के लिए दवा लेने जाता है। तभी घर में जाते ही डैनी एक कुत्ते को देखता है जो अपने मालिक को खा रहा होता है क्योंकि उसका मालिक मर चुका था। तभी वो कुत्ता डैनी पर हमला करता है, लेकिन डैनी उसे शूट करके मार देता है। फिर वो वहाँ पर रखी दवाइयाँ लेकर वापस कार की तरफ आता है। फिर डैनी ब्रैन के पैर से गोली निकालने लगता है और तभी वो देखता है कि उसका भी पैर पूरी तरह से लाल हो गया है, यानी अब ब्रैन भी पूरी तरह से वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड बॉबी को गले लगाया हुआ था और उसे छुआ भी था। जिसके बाद अब डैनी और कैट ब्रैन को कार के पीछे बैठा कर
आइसोलेट कर देती हैं, जैसे कि उन्होंने उस बच्ची को रखा था। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अब पूरे दिन सफर करते करते रात हो जाती है। फिर रात होने पर वो तीनों लोग एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ कैट डैनी से कहती है कि हमें ब्रेन को यहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे अपने साथ रखेंगे तो हमें भी इस वायरस से खतरा हो सकता है, जिसकी हालत वायरस की वजह से काफी खराब हो गई होती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर सो जाता है। ये देखकर रात में ही डैनी ब्रेन से कार की चाबी और गन ले लेता है और वापस कार में आकर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि ब्रेन की नींद खुल जाती है और वो कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो सब देखते हैं कि कार की चाबी ब्रेन के पास है, क्योंकि जो चाबी इन्होंने लिया था वो इनकी कार की थी, जिसका फ्यूल खत्म हो गया था। फिर कैट डैनी को गन देती है और उसे शूट करने को बोलती है। ये देखकर डैनी ब्रेन से कार की चाबी मांगता है। इस पर ब्रेन कहता है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर डैनी कहता है कि मुझे कार की चाबी दे दो। पर तभी ब्रेन कहता है कि तुम मुझे मार दो, क्योंकि मैं तड़प तड़प के नहीं मरना चाहता, और फिर चाबी ले जाओ। ये देखकर डैनी उसे शूट कर देता है और चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डैनी अपनी फ्रेंड कैट से अपने बचपन के बारे में बताता है कि कैसे वो और ब्रेन एक साथ रहा करते थे। फिर वो उसे एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ वो बचपन में ब्रेन के साथ रहा करता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।